ये जो बड़ा बड़ा सा अवार्ड है, बहुत ही बड़ा अवार्ड है, और मुझे ये जो दिया गया है वो इसलिए मैं वो फाउंडेशन की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। मराठी बोलायचं झालं तर मला खरंच खूप छान वाटतंय, कारण माझ्या मुलीचं प्रोफाईल पाहून या लोकांनी मला हा अवॉर्ड दिला, त्याबद्दल खरंच मनापासून खूप खूप धन्यवाद। आहे मराठी ऍक्टर आहे ती, आतापर्यंत त्यांनी भारतात आणि भारताबाहेर 50 फॅशन शोज केले, लंडन किड्स फॅशन वीक, त्यानंतर सिंगापूर, दुबई अशा बऱ्याच ठिकाणी आपल्या भारताला रिप्रेझेंट केलेलं आहे। वयाच्या 10व्या वर्षी ती आतापर्यंत 28 फॅशन शो विन आहे। अजून सांगण्यासारखं आहे पण छान वाटतंय, मला खूप छान वाटतंय आज इथं तुम्ही मला बोलवल्या। आज तिचा वाढदिवस आहे, सो मला तिच्या वाढदिवसानिमित्त हे खूप मोठं गिफ्टच तिच्याकडून मिळालेलं आहे सगळं, आणि मी तुमच्या सर्वांचे खरंच मनापासून धन्यवाद मानते। It's a great honor to be nominated and to get this award. It was really nice. We had seen so many of Bollywood actors, specifically VIP sir who was here, who was entertaining so much. During the COVID, we all had lots of problems. We had faced so much of issues. But still, after the finishing of pandemic, at the end of COVID, we can see what we had done, we are receiving the award. And I am very much grateful to Mr. Patel sir who had nominated me and given this award. Thank you. मेरी जो कंपनी है प्रगति ग्रह उद्योग और प्रगति इंडस्ट्री जो मशीन मैन्युफैक्चरिंग है, हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं। कोविड काल में भी हमने काफ़ी सारे लोगों को जो ये किया है, अनुदान किया है। और दूसरी बात ये कि लोग जो भी कोविड काल में जिनके जॉब गए हैं, जॉबलेस नौकरी नहीं है, उन लोगों को जॉब देने का काम हमारी जो संस्था है वो पिछले 22 साल से करके आ रही है। जरूरतमंद लोग हैं, उन लोगों को हम लोग जॉब देते हैं, काम देते हैं, घर बैठे काम कर सकते हैं वो लोग। और दूसरी बात जो अनाथ लोग हैं जिनको ठंडी के टाइम में कंबल बांटना है, या जैसे आश्रमशाला होती है, स्कूल होता है, तो उसमें नोटबुक्स देना, बुक्स बांटना, पेंसिल पेन ये सब देना, ये सब काम हमारे सोशल एक्टिविटीज हमारी जो संस्था है ये पिछले 22 साल से करती आई है। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज ये जो अवार्ड मिला है, मुझे जो ये अवार्ड मिला है, पिछली बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मुझे मिला था, ये कोविड योद्धा अवार्ड भी मिला था, ऐसे कम से कम 18 से 20 अवार्ड आज तक मुझे हमारे संस्था को मिले हैं। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि ये जो रे ऑफ होप ये जो संस्था है जिनके थ्रू मदर टेरेसा का जो ये अवार्ड मुझे मिला है, एडमिशन मिला है, तो उसके लिए सभी टीम को थैंक्स। मदर टेरेसा को इस दुनिया में कोई नहीं, कौन नहीं जानता, ऐसा कोई नहीं जो उनको नहीं जानता है। और वो एक नोबेल प्राइज विनर रही है, और एक जिन महान शख्सियत को नोबेल प्राइज मिला हो उनके ही ट्रस्ट द्वारा मुझे अगर प्राइज मिलता है तो मैं इसे नोबेल प्राइज ही समझूंगा। और वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे तो अमूमन अवार्ड मिलकर सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये अवार्ड मिलकर के और अच्छा लग रहा है क्योंकि मदर टेरेसा का नाम इससे जुड़ा हुआ है। और रे ऑफ होप जो संस्था का नाम है तो होप मतलब आशा, तो जब ऐसे संस्था से, आशा भरी संस्था से आपको अवार्ड मिलता है तो निराशा आपके हाथ कभी नहीं लगेगी। और वाकई मैं खुद टंके की चोट में कह सकता हूँ कि अब इसके बाद हर अवार्ड मुझे छोटा लगेगा। ये एडमंड परेरा साहब वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो जात पात कुछ नहीं, ना सबको मतलब एकदम नज़रअंदाज करते हुए इस तरह का फंक्शन आयोजित करना, वो भी कोविड के ऐसे समय पर, अभी कोविड से हम उभरे भी नहीं हैं, और वो लोगों को इतना मान सम्मान और पहले जैसे सब नॉर्मल माहौल में किया जा रहा है, सबको तो ये बातें बहुत अच्छी बात है। और मैंने देखा कि कुछ कोविड वॉरियर को भी अवार्ड दिया गया है, तो ये तो मुझे वाकई बहुत अच्छी बात लगी। और वो कोविड के समय का जो था वो इतना बुरा समय था कि किसी ने अपनी माँ खोई है, किसी ने अपना बाप खोया है, और लोग उस कदर परेशान थे कि एक दूसरे का पता नहीं था, कुछ लोग घरों में जो निकलने
से बाहर, और जिन्होंने अपने करीबी खोए हैं शायद वो कोविड को कभी नहीं भूल पाएंगे। और मैं तो संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे एक अवार्ड से सम्मानित करा। और मैं शैलेश जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक सम्मानित अवार्ड दिया। और हमारे पुष्कर सर जिन्होंने ये हमारे लिए अवार्ड रखा, और शायद कोविड के समय में जिन्होंने कोविड में काम किया था उनको इसी तरीके से सम्मानित किया जाएगा, तो लोगों में एक जागरूकता जागी, वो लोगों के लिए मदद करने के लिए आगे आएगा। और सैनेश जी और पुष्कर जी ने वो काम किया है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सबको लाकर एक स्टेज पे खड़ा करा है और सबको सम्मानित करा है। इसी बात को लेकर मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए मुझे सुनना। इंसान खत्म हो सकता है, इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। और पुष्कर जी ने मुझे बता दी हमें जो भी मैं छोटा मोटा काम कर रहे हैं फॉर सीनियर सिटीजन फॉर म्यूजिक एंड कोविड में मैंने जो छोटा मोटा हेल्प किया है, मैं जो बोलना नहीं चाहती हूँ मेरी हेल्प जो भी हुई है तो उसकी वजह से मुझे उन्होंने बुलाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज पुष्कर जी के बारे में क्या कहना चाहिए? मदद करती थी, मतलब पूर पीपल को ऑलवेज वो बाहर देश से आई थी और यहाँ
इंडिया में उसने देखा ये सब चीज़ें, तो यहीं पे बस गई। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये अवार्ड इतना मायने रखता है पूरी दुनिया में, वो मतलब उनको नोबल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो जब मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से सोशल एक्टिविटी के लिए आपको ये दिया गया है, तो आपने किस तरह से सोशल वर्क आप करती हैं, या फिर लॉकडाउन की बात करें उस दौरान किस तरह से आपने सोशल वर्क किया? जी हाँ, मैं लाइफ एंड फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और मेरा नाम अरुणा नाम है। और मैं इस फील्ड में सोशल वर्क की फील्ड में कोरोना के समय में गई। मैंने कोरोना के समय जब पर्सनली जाके मैं थोड़ा बहुत अपने हाथों से करती थी, जब मैंने देखा कि हालात बहुत बुरे हैं तो फिर मैंने और भी फ्रेंड्स लोगों को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे साथ आप काम करोगे, तो वो लोग भी मेरे साथ जुड़े और ऐसे मैं आगे बढ़ती रही। हमने सीनियर सिटीजन के लिए वैक्सीनेशन करे थे और लड़कियों को राशन, सीनियर सिटीजन को राशन वगैरह मेडिसिन सब दिया था। और आगे भी मैं ये काम करती रहूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की सेवा करना। ओके, थैंक यू। मैं मिसेस सक्षना दीक्षित मेरा नाम है, मिसेस इंडिया। आज का ये जो अवार्ड है रे ऑफ होप की तरफ से जो मिला है वो मिला है मुझे ग्रूमर और जूरी के लिए मिला है। मैंने इससे पहले भी कुछ पेजेंट्स थे जिसमें मैंने लड़कियों को ग्रूम किया है और उनकी जूरी में बनी वो पेजेंट्स में, सो इसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला है। और आप सब जैसे कि जानती ही है कि इस कोरोना के दौरान सबने बहुत सफ़र किया है, तो उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ, मैं नेवल ऑफिसर की वाइफ हूँ और बीइंग नेवल ऑफिसर्स वाइफ वी वर्क फॉर वुमन एम्पावरमेंट। तो उसमें भी मैंने काम किया हुआ है, जो राशन पानी होता है वो हमने काफ़ी लोगों तक पहुँचाया है। मदर टेरेसा से नोबल लेडी के नाम पे मुझे आज अवार्ड दिया गया है, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं भी ऐसे चाहती हूँ कि मैं भी उनके जैसे काम करूँ फ्यूचर में आगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी। धन्यवाद करता हूँ एडवर्ड जी को, धन्यवाद करता हूँ शैलेश जी को, धन्यवाद करता हूँ और पुष्कर जी को धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे इस मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया। वैसे तो काफ़ी समय से हम लोग काम कर रहे हैं साथ में, लेकिन ये 31st अवार्ड मिला, 31st अवार्ड और हमने हेल्दी वेल्दी आई और ब्यूटी और हेल्थ की तरफ से जो पेंडेमिक में काम किया है, जिसमें पैरालाइज पेशेंट हो गए, सोराइसिस पेशेंट हो गए, इनको काफ़ी हेल्प हुई है, वो सारे कामों के जरिए हमें काम कर रहे हैं और उनको अवार्ड मिला है। जहाँ भी मेरी रिक्वायरमेंट होती है मुझे बुलाया जाता है तो मैं पहुँच जाता हूँ और सभी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम एडवर्ड परेरा है और रियो फोक का मैं फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। जो आज आपने आयोजन किया था जिस तरह से अवार्ड का, किस तरह आप देखते हैं, आपको लगता था, आपको लगा कि जो भी सोशल वर्क किए उन्हें आपको मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए? देखो ये अवार्ड जो जिन्होंने अच्छे काम किए, कार्य किए, उन्होंने उनको हमने बहुत मुश्किल शॉर्टलिस्ट किया है, क्योंकि जैसे इनको अवार्ड मिलेगा ये और काम करेंगे और उत्साहित होंगे, इसके लिए हमने उनका काम के लिए अवार्ड दिया। आपकी संस्था भी लगातार सोशल वर्क जो है वो करती आ रही है, तो किस तरह से आप वर्क करते हैं इस संस्था के माध्यम से जुड़कर, आपके आगे क्या कोशिश होती है कि किस तरह से आप इसी तरह सोशल वर्क से जुड़े रहें? ये एक्चुअली क्या है, हमारा संस्था आज से नहीं 15 साल से सोशल सर्विस में है और हम लोग एजुकेशन, मेडिकल और इसके अलावा राशन वगैरह बहुत फैमिलीज को बांटते हैं। जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होगा हमारा संस्था पहुँच जाती है, जो हो सके हम लोग करते हैं। तो आज के इस अवार्ड को कितना सक्सेसफुली मानते हैं, जो आप चाहते थे वो एक अच्छा अवार्ड फंक्शन यहाँ पे संपन्न हो पाया? आई वुड लाइक टू थैंक शैलेश भाई फॉर गिविंग मी सपोर्ट और ये प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए बहुत उन्होंने मदद किया है। और मेरी जो टीम है, बैकएंड टीम, विशाल वाघमारे, मेरा लड़का जो है रॉय ज्योति सिंह, इन्होंने भी बहुत सारे हेल्प करके ये प्रोग्राम को सक्सेस करवाया। तो शैलेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर काफ़ी आप एक्टिव नज़र आए इस अवार्ड के लिए, किस तरह से आपको लगा इसमें, किस तरह से शॉर्ट लिस्टेड किया गया कि किन्हें अवार्ड देना है और आपने जिस तरह से फुल सपोर्ट के साथ इसमें आप उनके साथ वर्क किया? मेरे दोस्त से मैंने प्रॉमिस किया था कि अवार्ड शो करेंगे, उसने मेरी बात रखते हुए बोला कि मदर टेरेसा अवार्ड शो करते हैं और हमने एक महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद हमने इसको काम को आगे बढ़ाया और आज आप सब लोगों के सामने दिखे, आज आप लोगों को भी अवार्ड मिला है, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों को भी अवार्ड मिला। और ये मेरा भाई का क्या कहना है, बस मन में था करना, उसने कर लिया, तो मैं ये जो शेयर है ना मैं इसको देना चाहता हूँ कि इसने मुझे मौका दिया कि यहाँ पर स्टेज पर खड़ा रहने का, सम्मान लगाने का।
सम्मान न देने का मतलब एक भरोसा होता है, तो ये भरोसा मेरे भाई ने दिया और आदमी से होता है मेरा भरोसा पूरा किया है। कुछ नहीं होती है लेकिन भाई हम हो जाएगा आदमी तो। बाकी मैं सबको बोलना चाहता हूँ आइए सपोर्ट कीजिए लोकतंत्र को और साथ दीजिए। थैंक यू। ये अवार्ड का जो नाम था मदर टेरेसा अवार्ड, तो ये नाम ही बहुत अपने आप में मान है काफी है, तो किस तरह से आपको लगा जब ये अवार्ड किसी को दे रहे तो इस अवार्ड के लिए वो उस काबिल हो, इसका आपने कितना ध्यान दिया और कितनी चैलेंजिंग आई इस अवार्ड के दौरान पूरा ऑर्गेनाइज करने के दौरान? देखिए क्या एडवर्ड ने मेरा पर्सनल बात होता है कि हम ये अवार्ड देंगे तो हम सेलिब्रिटी को नहीं लाना चाहते थे, हम उन लोगों को देना चाहते थे जिन्होंने कोविड में काम किया था। और उसी तरह से हमने पूना से बोलो, हमने सूरत से बोलो, हमने इनका मेल भी चेक किया, प्रोफाइल चेक किया और उस तरह से हमने उनको बोला कि यहाँ पर मान सम्मान दिया। लेकिन मदर टेरेसा एक बड़ा नाम है, नाम हमने नाम है मदर टेरेसा, तो हमने कहते कि उनका जो नाम है ना वो बड़े लोगों में जाए, जो ऊंचे दर के लोगों ने काम किया उनको मिलना चाहिए। उनको मेरे भाई ने चुन चुन के तरस तरस के उनको दिए। मैं परेरा साहब से 10-15 दिन पहले मिला हूँ, तो उन्होंने कहा कि दिलीप जी का अवार्ड हो रहा है, अवार्ड तो यहाँ बहुत से होते रहते हैं। जैसे ही उन्होंने मदर टेरेसा नाम लिया कि भाई हम मदर टेरेसा के नाम से कर रहे हैं और उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन लोगों ने कोविड में अपना काफ़ी योगदान दिया, समय दिया। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बगैर इलाज के अगर कुछ लोग बहुत ठीक हुए हैं तो इसी तरीके से ठीक हुए कि लोगों ने तहे दिल से उन लोगों की सेवाएं की, उनकी मदद की हर तरीके से, पैसे से लेके शरीर से लेके दवाइयों से लेके, तो ये अवार्ड उन लोगों को मिला जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि मदर टेरेसा एक नाम इतना प्यारा नाम है कि मदर का नाम मिलती, टेरेसा का नाम मिलती, आधी बीमारी तो वैसे ही भाग जाती है। और जो ये अवार्ड इन्होंने शुरू किया है, आई होप कि मतलब ये अवार्ड ऐसे ही बनाते रहे, आगे चलता रहे ये अवार्ड, हम लोग सब इससे जुड़े, ना कि ये मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म वाले नहीं, और भी लोग इससे जुड़ने चाहिए और इस संस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज तो हम लोग जमा हुए हैं, आज कुछ लोगों को इन्होंने सम्मान दिया, कुछ लोगों को जो इन्होंने खिदमत की, जिन लोगों को ठीक किया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हारी बीमारी तो हमारे देश से निकल ही जानी चाहिए, कोविड जैसी खतरनाक बीमारी, और भी कई हमारे यहाँ समस्याएं हैं, एजुकेशन है, और भी बहुत सी बातें हैं, उसको दूर करने के लिए ऐसे अवार्ड की बहुत ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले तो इस संस्था को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्यारा नाम लेके ये अवार्ड शुरू किया, इसमें मुझे बुलाया गया, मेरे हाथों से सबको अवार्ड दिलवाया गया, प्लस मुझे भी वो सम्मान मिला। तो मैं दिल से इस संस्था का और आप सभी मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए शैलेश जी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि शैलेश जी बहुत ही प्यारे इंसान हैं, इंसान के साथ साथ वो जितने अच्छे मीडिया के जो हैं मतलब चैनल से हैं जुड़े हुए हैं, उसके अलावा इंसान बहुत प्यारे हैं। और वो जब कोई भी ऐसी जेन्युइन संस्था या बड़ी संस्था को नज़र आती है तो उस संस्था के लिए खड़े हो जाते हैं, और फिर हम जैसे लोगों को उनका एक ही फ़ोन बहुत है, क्योंकि शैलेश जैसे किसी भी कलाकार को ऐसी ऐसी जगह पर ऐसे वैसे अवार्ड के लिए नहीं बुलाता, तो ये जब भी इनका फ़ोन आता है तो मैं मतलब प्राउड से आता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि शैलेश जी जो भी अवार्ड में मुझे बुलाएंगे वहाँ वो सम्मानित अवार्ड होगा, और बहुत ही प्यारा अवार्ड। तो शैलेश जी के पहले मैं इतना ही कहूँगा, और अक्सर मैं बोलता हूँ कि जब से इंडस्ट्री बनी है कि इंडस्ट्री में अगर मीडिया ना हो, जिसको हम प्रेस बोलते हैं, वो ना हो तो इंडस्ट्री वाले कहीं भी जाने नहीं जाएंगे। तो मीडिया से ही हमारी अपनी पहचान है, मीडिया को हमें हमेशा धन्यवाद कहना चाहिए, प्लस समय समय पर उनके लिए कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए। अब वो कैसा देंगे तो पता नहीं, मैं शैलेश जी कभी फुर्सत में पूछूंगा कि भाई तू हम लोगों से किस तरीके से अपनी मीडिया भाइयों के लिए, अपने मीडिया परिवार के लिए कुछ सहयोग चाहिए। सहयोग मतलब ऐसा नहीं कि कोई निश्चित सहयोग, इस तरीके से कि कोई शो हो या कोई ऐसा एक इवेंट बनाया जाए कि जिसमें साल दर साल एक हम मीडिया के लिए कुछ काम करें, बस इतना ही मैं कह रहा हूँ। शैलेश जी को तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है, चलो नहीं मिल रहे ना दोस्त उसमें सबको। आप लोग बाद में गाएंगे, मेरे को तो गाने नहीं चाहिए। यस सर, दिलीप सर गाएंगे अभी। नाम दिलीप सर, पहले आप अभी देखो।
Gracias.